ज्यादा चालान काफी लोग बने हुए हैं। गया में बॉम्बे बाजार को पुलिस ने किया सील। लॉकडाउन नियम की धज्जियां उड़ाते हुए बॉम्बे बाजार में तकरीबन 100 से ज्यादा ग्राहकों की भीड़ मिलने पर गया पुलिस ने छापेमारी की और सैकड़ों की संख्या में शटर के अंदर ग्राहकों की भीड़ मिली। गया पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दुकान को सील किया और कोविड-19 एक्ट अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बॉम्बे बाजार में सिविल लाइन के थाना ने छापेमारी की, जिसके बाद CO और ट्रेनी DSP की मौजूदगी में दुकान को सील किया गया। शटर बंद करके ग्राहकों की हो रही थी खरीदारी। सिविल लाइन थाना प्रभारी और उनके साथ प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट यहां भ्रमण के क्रम में देखे कि ये दुकान खुला हुआ है। इसके जस्ट बगल में एक और दुकान था, यहां देखने के बाद इन लोग शटर अपना अंदर से बंद कर लिए, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। और बगल में एक और दुकान है जो कि उनके द्वारा सील कर दिया गया। सील करने के बाद फिर यहां पे आए, हमें भी बुलाया गया, हम भी आए और अभी आप लोगों के सामने ही है। लगभग 2-2.5 घंटे के प्रयास के बाद इनके द्वारा दुकान का दरवाजा खोला गया है, जो कि अंदर से बंद था। अंदर से बहुत सारे कस्टमर भी निकले हैं। संख्या लगभग 100 से ऊपर तो थी। कौन सा दुकान है सर? बॉम्बे बाजार दुकान है, सामने बोर्ड लगा ही है। जो भी सरकार के द्वारा विधि सम्मत आदेश दिया हुआ है वो कार्रवाई किया जाएगा, दुकान सील किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। सर जो लोग 2-2.5 घंटे से हम लोग यहाँ प्रयास कर ही रहे थे, लगभग 2 घंटे लगा। जिस तरह दुकानों को सील किया और भी नंबर में करेंगे, जो प्रशासन का निर्देश है उसके अनुपालन में हम लोगों ने किया है। कौन सा मॉल रेट कितने? अभी बॉम्बे ट्रेड को हमने सील किया है, ये बॉम्बे बाजार अब है, 1-2 वस्त्रालय को मैंने किया है, वो करेंगे। कितने लोग थे अंदर? अंदर ऑलमोस्ट 80+। आपने देखा होगा कितने घंटे तक आपने इंतजार करवाया? ऑलमोस्ट 3 आवर्स। उस पर भी क्या कार्रवाई होगी? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी जाएगी। अभी तो सील किया जाए, बेशक सील किया जाएगा, मुझे विधि सम्मत हो किया जाएगा। ठीक है। फ्लोर का सुपरवाइजिंग करते हैं सर, बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, आपका दुकान में इतने कस्टमर थे, आखिर क्या वजह? दुकान से कस्टमर कैसे निकले? कस्टमर थी सर, ये तो सही है, नियम का थोड़ा उल्लंघन हुआ है, हमारे बॉस है जो भी है उनके तरफ से, जो आप लोगों ने खुद देखा है इस चीज को, लेकिन आइंदा से इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। 3 घंटा तक प्रशासन वेट करते रहे? प्रशासन सर इसके लिए हमारा कोई रोल नहीं है, प्रशासन अगर वेट कर रहा है, मैं यहाँ पे एज ए स्टाफ हूँ सर। अच्छा, और कुछ कस्टमर है अंदर क्या? अंदर सबको जीरो, जीरो, बिल्कुल जीरो। अंदर कोई नहीं है, मैंने सारा चेक कर लिया इनके साथ। CEO साहब ने आपको क्या हिदायत दी? हमारा नाम CEO साहब ने आपके क्या हिदायत दी? CEO ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप अपने साइड से जाकर पूरा ग्राउंड फ्लोर से आप अपर फ्लोर तक चेक कर लो, अगर कोई भी बंदा अगर इसमें है तो उसको निकाल दो, अगर रहते हुए में सील हो गया तो उसके जवाब नहीं हम होंगे, इसलिए कोई नहीं है, इसीलिए हमने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ नीचे से ऊपर तक काम किया। क्या नाम है? नाम हमारा नाम मोहम्मद आदिल। सिविल लाइन थाना प्रभारी और उनके साथ प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट यहां भ्रमण के क्रम में देखे कि ये दुकान खुला हुआ है। इसके जस्ट बगल में एक और दुकान था, यहां देखने के बाद इन लोग शटर अपना अंदर से बंद कर लिए, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। और बगल में एक और दुकान है जो कि उनके द्वारा सील कर दिया गया। सील करने के बाद फिर यहां पे आए, हमें भी बुलाया गया, हम भी आए और अभी आप लोगों के सामने ही है। लगभग 2-2.5 घंटे के प्रयास के बाद इनके द्वारा दुकान का दरवाजा खोला गया है, जो कि अंदर से बंद था। अंदर से बहुत सारे कस्टमर भी निकले हैं। संख्या लगभग 100 से ऊपर तो थी। कौन सा दुकान है सर? बॉम्बे बाजार दुकान है, सामने बोर्ड लगा ही है। जो भी सरकार के द्वारा विधि सम्मत आदेश दिया हुआ है वो कार्रवाई किया जाएगा, दुकान सील किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। सर जो लोग 2-2.5 घंटे से हम लोग यहाँ प्रयास कर ही रहे थे, लगभग 2 घंटे लगा। जिस तरह दुकानों को सील किया और भी नंबर में करेंगे,
जो प्रशासन का निर्देश है उसके अनुपालन में हम लोगों ने किया है। कौन सा मॉल को रेड किया है? कितने? अभी बॉम्बे ट्रेड को हमने सील किया है, ये बॉम्बे बाजार अब है, एक दो चार वस्त्रालय को मैंने किया है। वो करेंगे। कितने लोग थे अंदर? अंदर ऑलमोस्ट 80+। आपने देखा होगा। कितने घंटे तक आपने इंतजार करवाया? ऑलमोस्ट 3 आवर्स। उस पर भी क्या कार्रवाई होगी? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो की जाएगी। अभी तो सील किया जाए, बेशक सील किया जाएगा, जो विधि सम्मत हो किया जाएगा। फ्लोर का सुपरवाइजिंग करते हैं सर, बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, आपका दुकान में इतने कस्टमर थे, आखिर क्या वजह? दुकान से कस्टमर कैसे निकले? कस्टमर थी सर, ये तो सही है, नियम का थोड़ा उल्लंघन हुआ है, हमारे बॉस हैं जो भी है उनके तरफ से, जो आप लोगों ने खुद देखा है इस चीज को, लेकिन आइंदा से इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। 3 घंटा तक प्रशासन वेट करते रहे? अब प्रशासन सर इसके लिए हमारा कोई रोल नहीं है, प्रशासन अगर वेट कर रहा, मैं यहाँ पे एज ए स्टाफ हूँ सर। अच्छा, और कुछ कस्टमर हैं अंदर क्या? सबको जीरो, अंदर कोई नहीं है, मैंने सारा चेक कर लिया। सीओ साहब ने आपको क्या हिदायत दी है? हमारा नाम सीओ साहब ने आपके क्या हिदायत दी? सीओ ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप अपने साइड से जाकर पूरा ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर तक चेक कर लो, अगर कोई भी बंदा अगर इसमें है तो उसको निकाल दो, अगर रहते हुए में सील हो गया तो उसके जवाब दे ही हम होंगे। इसलिए कोई नहीं है, इसीलिए हमने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ नीचे से ऊपर तक। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद।